आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेटी कुल्फी, वो भी बिना किसी मिक्सी के और बिना किसी कुल्फी मोल्ड के। तो बहुत ही आसानी से बनेगी घर पर। अगर आपने एक बार बना ली घर पर तो हमेशा बनाना चाहोगे ही। और ये सिर्फ 5 रुपये के बिस्किट में बनती, तो स्टार्ट करते बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है दूध, तो हमने यहाँ पर लिया है दूध। तो हमने ये लिया है 1 गिलास के करीब दूध होगा, तो इसको हमने गर्म कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी 4 से 5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसको हम मिक्स कर देंगे चीनी डालकर अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिए हैं 6 बिस्किट के पैकेट, तो ये चॉकलेटी बिस्किट है, 5-5 रुपये के आते हैं। आप इसकी जगह और दूसरा भी ले सकते हो, ये क्रीम वाले हैं, आप इसकी जगह ओरियो बिस्किट भी ले सकते हो। तो इसको हम हल्का हल्का फोड़ लेंगे। आप बेलन से भी कर सकते हो, हल्के हल्के से मारना है, इसका रैपर नहीं फटना चाहिए। तो हम सारे ऐसे ही तोड़ लेंगे। तो देखिए हमने सारे बिस्किट को ऐसे ही तोड़ लिया है। अब हम इसको कैंची से काट देंगे, बिल्कुल इसको हमें साइड से ही काटना है। तो देखिए हमने काट लिया है। अब हम एक रख लेंगे गिलास, उसके इसमें ही रख लेंगे हम बिस्किट का पैकेट, और इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध को हमें पूरा फिल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर लिए जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है वो लिए, इसी से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे दूध और बिस्किट अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसमें हम लगा देंगे। अब हम यहाँ पर साइड से हमने यहाँ पर लिए कप, तो इसी में हम सारे रखते जाएंगे, ऐसे ही हम सारे फिल करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ना ही इसमें हमें कुल्फी मोल्ड का यूज करना है, ना ही मिक्सी का। तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको एक बार ट्राई करके जब देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही हम भर लेंगे सारे। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे भर लिए। अब इसको हम फ्रीजर में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से जम चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे बाहर, इसके अपर को हम काट लेंगे कैंची से। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से निकल रही है। तो देखिए हमारी कुल्फी बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट पर रखते जाएंगे, ऐसे ही हम सारी निकाल लेंगे कुल्फी को।
तो देखिए सारी हमने निकाल कर तैयार कर ली है। और हमने यहाँ पर लिए चॉकलेट, तो चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर की मेथड से। और अगर आप चॉकलेट नहीं लाना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसे ही खा सकते हो। तो आप इसको डिप करना चाहते हो चॉकलेट में तो कर सकते हो, या इस तरीके से ला सकते हो स्पून से। ऐसे ही हम सारी लगा कर तैयार कर लेंगे। इसको हमें दोबारा फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चॉकलेट होती है वो कुल्फी पर लग कर जम जाती है बिना फ्रीजर के, इसलिए। देखिए फ्रेंड्स, सारी हमारी चॉकलेटी कुल्फी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो कितनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं बिना किसी मिक्सी के और बिना किसी कुल्फी मोल्ड के। तो आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हो, सिर्फ इसमें बिस्कुट लगता है और दूध लगता है। तो आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।